एवरीवन, इस वीडियो में हम लेटर कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट वन है। तो क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एम्फेसिस को NDIOBRJR लिखा जाता है तो इसी भाषा में क्रिएचर को क्या लिखेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से ऐसे जमा लेंगे। EMPHASIS, ठीक है। इसके नीचे जो जो जिसको कूट भाषा में जो लिखा है वो अक्षर लिख देंगे, IOBRJR। अब देखिए इसमें क्या कैसे लिखा हुआ है। ऐसे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ई के बाद में एन का कोई भी रिलेशन नहीं है, एम डी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्रॉस में चेक करेंगे। क्रॉस में चेक करने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ई के बाद में डी लिखा हुआ है, यानी ई डी से पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे, जैसे डी आ रहा है माइनस वन लिख रहे हैं हम, जस्ट पहले वाले को माइनस लिखेंगे और आगे वाले को प्लस वन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम के बाद में एम एन, एम के बाद में एन आ रहा है, यानी कि आगे वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। ये वाला नंबर इसके पीछे वाला है और ये वाला नंबर इसके आगे वाला है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या। ये आई कैसे आ रहा है, आई आ रहा है, आई जो होता है आई एच के बाद में आता है, एच आई, ठीक है। और जो ओ है ओ जस्ट पीछे आता है, पी के जस्ट पहले आता है, तो माइनस वन। तो ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है, पहले ये वाला नंबर प्लस वन यानी आगे वाला नंबर है, ये इसके पीछे वाला नंबर है, ये आगे वाला नंबर, ये पीछे वाला नंबर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए एस और बी का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आर और ए और आर का भी नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि प्लस वन ए के जस्ट बाद में। यहाँ पर देखिए एस के बाद में आर आ रहा है, यानी लेकिन आर ऐसे जस्ट पीछे आता है, यानी जस्ट पहले, तो माइनस लिखेंगे इसको हम। यहाँ पर आई जे प्लस वन, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे तो आर एस से पीछे आता है। तो इसमें इस तरह का पैटर्न चल बन रहा है। ये जो आगे के चार लेटर्स दिए हैं ये तो क्रॉस में हो रहे हैं, और जो आगे के चार नंबर लेटर्स हैं वो सीधे सीधे ही बन रहे हैं वो, लेकिन इनमें भी पैटर्न चल रहा है प्लस माइनस यानी आगे पीछे वाला। तो हम इस क्रिएचर को इस तरह से लिखेंगे, CRETUR E। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, R से जस्ट आगे वाला नंबर, R से जस्ट आगे क्या आता है, R से जस्ट आगे आता है S, ठीक है। ये प्लस वन करने पे आया है। C के जस्ट पीछे क्या आता है, B आता है, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसे आएगा, A से जस्ट बाद में क्या आता है, B आता है। यहाँ पर जो जो लेटर आएगा वो ई से जस्ट पीछे क्या आएगा, डी। तो यहाँ तक तो इस तरह से क्रॉस बन गया। अब यहाँ पे सीधे सीधे ही बनेगा, टी से जस्ट आगे वाला लेटर क्या होता है, यू, ठीक है। यू के जस्ट पीछे क्या होता है, टी। ऐसे ही आर के आगे क्या होता है, आर एस होता है, प्लस वन। और यहाँ पे ई से पीछे वाला नंबर आएगा जो होता है डी। तो देखिए ये बन गया एस बी बी डी यू टी एस डी। तो ये ऑप्शन नंबर वन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में इतना बड़ा लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को हम पहले इसको जमा लेते हैं ऐसे, OMNIPRES ENT। तो इसके नीचे इसको लिखेंगे QJONPTSMDRD। इसको बड़े क्लियर, मतलब पूरा ध्यान से लिखना होता है, एक भी नंबर आप लेटर इधर उधर हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे, इसमें कैसे क्या पैटर्न चला हुआ है। तो देखो अगर ऐसे देखें तो ओ और जे का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ओ क्यू का भी कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, एम एन एम और ओ आ रहा है, ऐसा क्रॉस में भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसमें कहाँ तक देखे जाएगा, यहाँ से देखिए ओ के बाद में यहाँ पे पी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10, 11 है ये, तो ये 5 से यहाँ पर 5 जो नंबर है वहाँ से इसका रिलेशन बन रहा है, तो ये जो आ रहा है इसके आगे वाला नंबर है, पी के आगे वाला नंबर, और ये वाला जो पी है ओ के बाद में क्या आता है यहाँ पे, ओ के बाद में आता है पी, और यहाँ पे देखिए ओ के बाद में क्यू आता, ओ क्यू पी आता है यहाँ पे, ऐसे आ रहा है ये, इस ये नंबर जो आ रहा है ये पी के, ये जो लेटर पी के बाद में आता है और यहाँ पे ये इसके बाद में आता है प्लस वन करने पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए आई, ये वाला नंबर आई के जस्ट बाद में आता है, आई जे होता है ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए एम के बाद में एन आता है, और यहाँ पे एम, ये जो ओ है ये ओ एन के बाद में आता है एन ओ। अब यहाँ पे देखिए ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट के जो 5 है उनमें भी ये रिलेशन बन रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, ई के बाद में डी नहीं आता है लेकिन डी ई से पहले आता है, देखिए माइनस वन, और यहाँ पर भी देखिए एस जो आ रहा है टी से बाद में नहीं पहले आता है ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एस जो है आर जो है एस से पहले आता है, और एन एम से पहले आता है, और ई जो है ये भी डी से, डी जो है ई से पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए आगे वाले तो आगे वाले नंबर से बन रहे हैं क्रॉस में वो भी, और पीछे वाले भी पीछे वाले नंबर दिखा रहा है क्रॉस के अंदर, और यहाँ पर देखिए आर एस, तो यहाँ पे एस यानी दो नंबर छोड़ के आ रहे हैं, इसका कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। क्वेश्चन है आगे सी आर ई डी आई बी फिर आई एल आई टी और वाई, तो इसे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के लेटर्स को अलग कर लेंगे और पीछे के 5 को अलग, और जो बीच वाला जो लेटर है उसमें क्या पैटर्न चला था, ये प्लस 2 करने पे आ रहा है, तो बी सी और डी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा ठीक है। अब इसके बाद में देखिए पहले इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर जो आएगा लेटर वो कौन सा आएगा, आई के जस्ट बाद वाला, आई के बाद में आता है जे ठीक है, यहाँ पे जो लेटर आएगा वो सी के बाद वाला आएगा, तो सी के बाद में क्या आता है टी ठीक है, यहाँ पर जो लेटर आएगा वो डी के बाद वाला आएगा, डी के बाद में आता है ई, और यहाँ पर जो लेटर आएगा वो आर के बाद में आएगा, बाद वाला आएगा, आर के बाद में आता है एस, और यहाँ पर जो लेटर आएगा बीच में वो आएगा ई के बाद वाला, ई के बाद में आता है एफ ठीक है, ये सारे लेटर्स हो गए। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस वाला होगा, मतलब जस्ट पहले वाला, तो एक्स आएगा वाई के पहले क्या आता है एक्स ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आई के जस्ट पहले क्या आता है एच, यहाँ पर जो लेटर आएगा वो टी से जस्ट पहले वाला आएगा, टी से जस्ट पहले आता है एस, और यहाँ पर जो लेटर आएगा वो एल से जस्ट पहले वाला आएगा जो आता है के, और एल से यहाँ पर आएगा जस्ट पहले क्या आता है एच, तो क्या बन गया जे ई एफ, तो देखिए जे ई एफ इसमें है, जे इसमें भी है, जे ई एफ एस डी डी, जे ई एफ एस डी डी एक्स एस एच के एस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टाइगर को क्या लिखा हुआ है, टी आई जी ई आर, टाइगर को लिखा हुआ है एस एच एफ डी क्यू, तो इसमें देखिए क्या कैसे लिखा हुआ है, एस टी एच आई एफ जी डी ई क्यू आर, यानी कि जस्ट ये जो आ रहे हैं जस्ट पीछे वाले हैं इससे, यानी टी से पहले क्या आता है एस आता है, यहाँ पे देखिए एच आई से पहले क्या आता है एच, जी से पहले आता है एफ, और ई से पहले आता है डी, और
आर से पहले आता है क्यू, सॉरी। तो यहाँ पर भी हमें लिखना है हॉर्स को, एच ओ आर एस ई, इसको लिखना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एच से जस्ट पहले क्या आएगा, जी, ठीक है। ओ से जस्ट पहले क्या आता है, ओ से जस्ट पहले आता है एन। यहाँ पर देखिए आर से जस्ट पहले क्या आता है, क्यू। एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर। और ई से जस्ट पहले आता है डी। तो बन गया जी एन क्यू आर डी। तो ये किस में आ रहा है, जी एन क्यू आर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीक, बी आर ई ए के को लिखा है, ए एस डी बी जे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसका पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे देखिए बी से पहले आता है ए, ठीक है, यानी ये पहले आ रहा है ए से। यहाँ पे देखिए आर, एस कब आता है, आर के बाद में आता है, जस्ट बाद में, तो प्लस वन। यहाँ पे देखिए डी कब आता है, ई से जस्ट पहले, तो पहले आ रहा है। ये जो बी आ रहा है ये ए के बाद में आता है, प्लस वन। ऐसे ही के आता है इससे जस्ट पहले, तो यहाँ पर भी यही चल रहा है, पहले पहले वाला नंबर, फिर बाद वाला, पहले वाला, बाद वाला, पहले वाला, बाद वाला। तो हम सॉलर को भी ऐसे लिखेंगे एस ओ एल ए आर। इसके लिए देखिए सबसे पहले पहले वाला नंबर, एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर। ओ के बाद में क्या आता है, पी। एल से पहले क्या आता है, के। ये पहले वाला है, ये आगे वाला है, ये पहले वाला है। तो अभी इसमें आगे वाला नंबर, ए के आगे क्या आता है, बी। और आर से पहले क्या आता है, क्यू। तो आर पी के बी क्यू, तो ये आता है आर पी के बी क्यू आ रहा ऑप्शन नंबर सी में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।